हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक टेस्टिंग वायरल हैक्स। वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हैक्स होते हैं, ये बताते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसको आप इजी कर सकते हैं। मतलब होते हैं ना कि बहुत से काम हमें बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में लिए, या मेकअप करने के लिए कुछ भी है। तो ये हैक्स हमें उस काम को मतलब शॉर्टली करने के लिए बताते हैं। इजी तरीका हमारा, मतलब हमारी लाइफ को इजी अब भी बनाने ट्राई के करते हैं बाद। इन हैक्स को। तो इन हैक्स के माध्यम से हम भी अपने काम को आसान कर लेंगे। तो जो आज मैं आपके साथ हैक शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, वो सारे फूड से रिलेटेड है कि खाना बनाना सबसे बड़ा आलस का चलिए काम शुरू करते हैं है। इन इन फूड हैक्स। हैक्स को, तो जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसमें आपको मिलेंगे टेस्टिंग वायरल हैक्स और ऑनलाइन रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हैक में बताते हैं कि आपको पैन के बैक साइड से उसमें हल्का सा ग्रीस करना है, फिर उसमें आपको पैनकेक का बैटर डिप करना है और फिर उसको गरम करना है 1 मिनट। और 1 मिनट गरम करने के बाद देखिए आपका पैनकेक बिल्कुल बनके तैयार है, इसमें कोई झंझट ही नहीं तो है। इसमें मैंने पैनकेक का बैटर तो बना दिया है, वो मैंने इसमें बनाया है क्योंकि उसमें चौड़े से बर्तन में उसने लिया था। और पैन भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है कि जिसमें हम बनाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं इस हैक्स को। और ये जो पैनकेक का बैटर बनाया है, इसे मैं पहले थाली में निकाल लेती हूँ कि आराम से निकल जाए इसमें, क्योंकि तो मैं ये थाली में डाल देती हूँ इस पैनकेक के बैटर को। और ये थाली में डाल दिया कि जिससे वो अच्छे से लग जाए उसमें। इतना बहुत है यार। पहले इसे, अब वो पहले बोलते हैं कि इसे आप ग्रीस कर लीजिए, तो मैं हल्का सा रिफाइंड ऑयल इसमें डालूंगी और इसको ग्रीस कर लूंगी। अब ग्रीस मैंने इसे कर लिया है, तो पहले थोड़ा सा पैन को हम गरम कर लेते हैं। पहले तो मैं इसे हल्का सा गरम कर लेती हूँ। वैसे ये नॉन स्टिक है, बट डर भी लग रहा है, बट इसे गरम कर लेते हैं हम थोड़ा। वो इंडक्शन में करते हैं, बट अभी मेरे पास इंडक्शन खराब हो चुका है तो मैं गैस पे ही कर रही हूँ। तो थोड़ा गरम हो चुका है। अब लेट्स सी कि इसको लेना है ऐसे। अभी तो चिपक ही नहीं रहा। ओहो, ये नहीं चिपक रहा है। पूरा ही हैक्स खराब है, ये चिपक ही नहीं रहा है। बीच से आप देख सकते हैं। इसे पका के देखते हैं कि ये पकता है कि नहीं पकता है। ये पूरा गैस गंदा कर रहा है यार इसने। देखिए साइड से पैनकेक तो क्या बनेगा, बट गैस की सफाई अच्छे से हो जाएगी। ओहो, लेट्स सी। बहुत टाइम ले रहा है। यस, थोड़ा थोड़ा पकने लगा ये। इसमें वो आराम से वो निकल रहा था, बट इसमें देखते हैं। ये हैक कितना काम करेगा। कोई रिजल्ट नहीं, आप देख सकते हैं कि ये छूटेगा भी नहीं, गैस भी गंदा करेगा और ये पूरी तरह से चिपक चुका है। ये देखिए, ये देखिए। तो इस हैक्स के लिए सबसे बड़ी ना है क्योंकि ये पूरा खराब हो चुका है। ये देखिए आप इसे, उसमें बड़े आसानी से निकल गया था, बट ये ऐसे हैक्स, उफ। गैस भी गंदा करो, काम भी बढ़ाओ, तो सबसे बड़ी ना। इसमें क्या करती है, गर्ल ऑरेंज के बागीचे में जाती है, उसमें एक ऑरेंज लगा हुआ होता है, उसमें स्ट्रॉ डालती है, उसको हल्का सा पुश बैक करती है, फिर उसे जूस निकलने लगता है। वाह भाई वाह, क्या हैक है। तो देखो आपने जैसे देखा होगा वीडियो में, तो वो बताते हैं कि पेड़ पे लगा हुआ है माल्टा, सॉरी माल्टा हम लोग बोलते हैं ऑरेंज, और उसमें वो एक स्ट्रॉ डालती है, तो उससे वो पीती है, तो उसका जो माल्टे का पूरा जूस है वो निकल जाता है। तो पेड़ तो हम पे है नहीं, बट जरूर हम पे ऑरेंज तो है, फ्रेश है, रस से भरा हुआ है। तो पहले हम इसे ऐसे प्रेस कर लेते कि जो जूस है सच में निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो या ये ऑलरेडी इतना गुदगुदा सा हो रहा है, तो चलिए हम डालते हैं इस स्ट्रॉ को। कहाँ से डालूँ, यहीं से डालती हूँ। यार मैंने कहा अगर छोटी वाली स्ट्रॉ लूंगी, वो पतली वाली, तो वो उसी में मुड़ जाएगी, अंदर घुसेगी नहीं। ओहो, घुस गया।
तो अब पहले हम इसे अच्छे से ऐसे से प्रेस कर लेते हैं कि जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जूस तो इसमें बहुत है, बट देखते हैं, ट्राई। जूस है, बट वो यहां से ना यहां तक नहीं आ पा रहा है। खटा मेरे मुंह में आया, जूस काम कर रहा है। ये उस बेसिस पे काम करेगा कि जो आपको ऑरेंज है इसमें अच्छा खासी मात्रा में जूस हो। तो ये बेसिकली नारंगी है, तो इसमें जूस अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो आप देख सकते हैं कैमरे में, ये देखिए मैंने इसे प्रेस करा तो ये आराम से ऊपर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। मैं इसे इसलिए नहीं पी रही कि बहुत ज्यादा खट्टा है। तो रियली इट्स वर्क, ये हैक बिल्कुल काम कर रहा है। आप ट्राई कर सकते हैं, बट उस बेसिस पे कि आपकी जो ऑरेंज है उसमें अच्छी खासी मात्रा में जूस हो। तो इसके लिए तो इस वाले हैक्स में बता रही है कि उसकी एक फ्रेंड है वो स्ट्रेटनर अपने बालों को स्ट्रेट कर रही है स्ट्रेटनर से, तो जो उसकी दूसरी फ्रेंड है वो बोल रही है कि प्लीज़ मुझे स्ट्रेटनर दे दो, मैंने पॉपकॉर्न बनाना है इससे। तो ये पॉपकॉर्न वाली मक्की स्ट्रेटनर में रखती है, तो देखिए जैसे ही उसने स्ट्रेटनर में पॉपकॉर्न वाली मक्की रखी और सीधा उसमें पॉपकॉर्न बन गया। तो हम भी ट्राई करते हैं इस हैक्स को और हम भी स्ट्रेटनर से पॉपकॉर्न बनाते हैं। अगले हैक्स में आपने देखा ही होगा कि जो स्टेटनर की हेल्प से आप इसमें पॉपकॉर्न मतलब सॉरी पॉपकॉर्न वाली जो मक्की होती है उसे रखो तो वो पॉपकॉर्न बन जाता है। तो हम भी ट्राई करते हैं इस हैक्स को। तो ये मेरा स्टेटनर है, तो स्टेटनर ऑलरेडी देखिए गरम है, तो मक्की भी है मेरे पे पॉपकॉर्न वाली, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये है मेरे पे पॉपकॉर्न वाली मक्की, डर भी लग रहा है, सावधानी पूर्वक भाई यार। आ मम्मी, क्योंकि जो स्टेटनर है ना उसकी, लेट सी क्या होता है भाई, ये तो जल्दी हो ही नहीं रहा। स्टेटनर गरम है, मैंने गरम करने रखा हुआ था कि इस हैक्स को हम ट्राई करेंगे। अभी एक तो गिर गई, नहीं चलो अभी दूसरा भी गिर गया। तो जो इसकी टेम्परेचर है इसको भी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, शायद तब इसे ट्राई करेंगे टेम्परेचर या ये फुल टेम्परेचर पे है, ये इसका टेम्परेचर यार फुल पे है, बट रखने में भी डर लग रहा है कि हाथ ना जले। जब ये इतना गर्म है तो वो तो बहुत जल्दी उसमें, ये कोई साधारण मक्की नहीं है, ये पॉपकॉर्न वाली मक्की है, मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, बट इसमें ये काम ही नहीं कर रही है। अभी अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाऊं, फिर भी गिर गया, बट चलो देखते हैं। एक तो चले, मैं तो बोली एक ही जल जाए, तो नहीं यार जल जा खुल, क्या बोलते हैं जल जानी, सॉरी हाँ जल जा सिम सिम, खुलेगा तो नहीं बट जल जा सिम सिम। देखो सारी गिर गई, पहले तो हाथ जलाओ इसमें, अगर किसी का किसी को पॉपकॉर्न की मक्की रखनी है इसमें, ऊपर से ये इतनी देर से गर्म है फुल टेम्परेचर पे है तो भी ये काम नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए मैंने बोला था ना हाथ जलेगा, तो इस हैक्स को तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर से हाथ भी जलेगा, इतनी देर आप बिजली भी खर्च करो, अपना स्ट्रेटनर भी खराब करो, अपना हाथ भी जलाओ, तो ये हैक्स मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। होप दोस्तों आपको मेरे हैक्स पसंद आए होंगे, तो हैक्स पसंद आए होंगे तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस टाइप के हैक्स को जानने के लिए तो प्लीज यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे खुद हंसी आ रही है कि जो मैंने पॉपकॉर्न वाला हैक्स ट्राई करा, पहला वाला हैक्स ट्राई करा, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं था। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हैक्स में, ऑनलाइन रिव्यू में।
तो जो भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट।